कहते हैं शिक्षक भगवान का रूप होते हैं जो बच्चों को अच्छे संस्कार के साथ उन्हें जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन जब कोई छात्र अपने भगवान जैसे शिक्षक से अभद्रता, मारपीट और गाली गलौज करने लगे तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसे ही एक बिगड़ैल छात्र की करतूत सागर जिले के रहली के चांदपुर से सामने आई है। फर्स्ट किराए शोरूम, यहाँ आए और पाए ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। यहाँ शासकीय हाई स्कूल में पढ़ने वाला छात्र आदर्श दुबे निवासी चांदपुर आए दिन स्कूल की छात्र छात्राओं से छेड़खानी और शिक्षकों से अभद्रता करता था, जिसकी शिकायत के बाद जब विद्यालय के प्रचार ने छात्र को समझाने की कोशिश की तो छात्र प्रचार सहित कंप्यूटर ऑपरेटर से अभद्रता, गाली गलौज कर डाली और झूमा झटकी करने पर उतारू हो गया। इसी से आहत होकर स्कूल के सभी छात्र छात्राओं और प्रचार सहित शिक्षकों ने थाने पहुंचकर बिगड़ैल छात्र की शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि यह बिगड़ैल छात्र लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, जहां उसे कई बार समझाइश भी दी गई लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद स्कूल के प्रचार सहित शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने बिगड़ैल छात्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सर, आदर्श दुबे ने क्लास में अनुशासनहीनता की, उसने ब्लैक बोर्ड पर शायरियां लिखी और पंखे में हाथ मारकर बंद पंखे को ऐसे मोबाइल से मारती और फोन चलाती क्लास में बैठकर और मैम लोगों के साथ भी बैठ। कुछ दिनों से स्कूल में अभद्रता कर रहा है और स्कूल के जो शिक्षक स्टाफ है उनकी बात ना मानना, शिक्षकों से ही उल्टा सीधी जवाब देना, गाली गलौज का प्रयोग करना, छात्राओं को तरह तरह से परेशान करना। स्कूल में जो क्लासरूम है उसके ब्लैक बोर्ड पर भी वह उल्टी सीधी बातें लिख देता था, क्लास मतलब शायरी लिखना और पढ़ने में व्यवधान उत्पन्न करता था। इस बात पर शिक्षकों द्वारा उसको कई बार समझाइश भी दी गई लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। तो इसी बात को लेकर प्राचार्य महोदय द्वारा उसको पिछले शायद कल या परसों में उसको यहाँ से रजिस्ट्रिकेट किया गया कि आपको सिर्फ परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, आप यहाँ स्कूल का कोई भी प्रकार से माहौल ख़राब ना करें। बहरहाल शिक्षा के मंदिर में जब ऐसे बिगड़ैल छात्र इस तरह की करतूत करने लगे तो समझ जाना चाहिए कि अब जमाना बिगड़ रहा है। रहली से आसू दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।